नमस्कार दोस्तों, मैं तुहाडा दोस्त मनु मोड़। तो एग्जाम देण तो पहला इस वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस किए हुए हैं। जे इन्हों समझ लोगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल तुहानू काफ़ी ज़्यादा हैल्प मिलेगी। इस वीडियो में आप कॉन्स्टिट्यूशन असैम्बली स्टार्ट होने तो मतलब निर्माण तो लैके संविधान जो बन चुका से उदों तक का पूरा सफर डिस्कस करांगे। एंड उम्मीद है तुहानू मेरी राइटिंग समझ से आ जाएगी। जो समझ से आ रही है तो वीडियो में यस लिख के कमेंट कर दो। एंड जो तुम इस पी डी एफ फाइल में लैना चाहते हो मेरे तो यह मेरा इंस्टाग्राम आई डी नंबर इस पर मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके फिर तुम इस इंपोर्टेंट पी डी एफ फाइल में लै सकते हो। तो सब तो पहले आप गल कर लें अपनी संविधान सभा बारे। संविधान बनाने वास्ते एक कुछ मतलब कुछ बंद मीटिंग बिठाई गई सी, जिस द्वारा उन्होंने मैंबर कलैक्ट करके संविधान सभा का गठन किया गया। तो सब तो पहला संविधान सभा की मंग 1895 में हुई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की मंग सब तो पहले किसने की थी, तो 1895 बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर ने 1895 ईस्वी में स्वराज बिल पास किया। क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्वराज बिल सब तो पहले किस द्वारा पास मतलब कि पेश किया गया सी, तां बाल गंगाधर तिलक राय द्वारा पेश किया गया सी। तां उस बिल विच ही इन्होंने संविधान सभा की मंग की सी। ते इस तो बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इस मंग नूं अगे वधाया। इस तो बाद 1934 ईस्वी में एम एन रॉय जो कि कम्यूनिस्ट पार्टी के लीडर से उसने संविधान सभा की मंग अंग्रेज़ों के सामने रखी। तो इस तो बाद 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने अंग्रेज़ों को कहा कि सानू कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधानक असैम्बली चाहिए है। तो इतों तक तो जिड़े भी पॉइंट तुम्हें रीड कराया इन्हों विचों एक तो तुम याद रखो एम एन रॉय कि पार्टी नाल बिलोंग करते सी, मतलब केड़ी पार्टी का लीडर सी, तां कम्यूनिस्ट पार्टी के लीडर सी। ते एम एन रॉय ने संविधान सभा की मंग कदों की सी, 1934 ईस्वी में की सी। ते इस तो बाद गल करिए 1938 आ जाता है। 1938 जवाहर लाल नहरू जो कि कांग्रेस के प्रधान से उसने जल्द संविधान सभा का गठन कर दिता अंग्रेज़ों नाल गल करके। 1938 उन्होंने अनाउंस कर दिता कि संविधान सभा का गठन होगा। अपनी राय देना चाहता है वह अडल्ट सप्रेज इलैक्शन द्वारा एक उन्होंने एक वोटिंग सिस्टम स्टार्ट किया, जिस द्वारा जिहड़े भी मैंबर चुने गए संविधान सभा लई उह संविधान बनाने विच अपनी राय दे सकते सी। एग्जाम विच पूछा जा सकता है कि अडल्ट सप्रेज इलैक्शन कदों अते क्यों कराए गए सी, तां 1938 कराए सी जवाहर लाल नहरू द्वारा करवाए गए सी। ते संविधान सभा द्वारा मतलब कि जिहड़ी भी डिटेलिंग है जो भी अपनी राय देना चाहुंदा है उसदे रिलेटड यह वोटिंग करवाई गई सी। इस तों बाद की होया 1942 आ गई। 1938 तो बाद 1942 आ गई। इस विच अंग्रेज़ों द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि हाँ भारत का अलग संविधान होना चाहिए है। तो 1942 ही अंग्रेज़ों ने क्रिप्स प्रस्ताव अपने भारतीयों के मूहरे रखा। तो 1942 के समय इन्होंने यह इस करके मान ली सी क्योंकि इस टाइम 1942 ही भारत छड्डो अंदोलन शुरू हो गए। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत छड्डो अंदोलन मुहिम से जी कदों स्टार्ट हुई सी, तो 1942 ईस्वी में हुई सी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिप्स प्रस्ताव भारत में कदों आया सी, तो 1942 आया सी। तो 11 मार्च 1942 अंग्रेज़ों वालों क्रिप्स प्रस्ताव आया जिसका अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स से। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि क्रिप्स प्रस्ताव का जिहड़ा चेयरमैन से वह कौन सी, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स याद रखियो। तो 22 मार्च 1942 तक रहा। तो जिहड़ा यह क्रिप्स प्रस्ताव से यह 22 मार्च 1942 तक रहा, मतलब 11 मार्च 1942 यह भारत में आ गया सी, 22 मार्च 1942 तक भारत में रहा। तो इस विच जानकारी दी कि भारत में संविधान सभा तुसी इन्हां शर्तां ते बना सकदे हो। क्रिप्स प्रस्ताव का मतलब सी अंग्रेज़ों ने कुछ शर्तां भेजियां सी। क्रिप्स सिद्धांत विच अंग्रेज़ों ने कहा सी कि जे तुसी इह शर्तां मन्नोगे तां तुसी अपना संविधान बना सकदे हो। पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को मतलब कि ठुकरा दिता, मतलब कि मना कर दिता कि असी तुहाडे रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते। तो इस तों बाद 1945 ईस्वी ब्रिटेन में चोणां हुई। नोट करन वाली गल है इत्थे थोड़ा यह चैप्टर थोड़ा इंट्रस्टिंग हो जाता है तो करके ध्यान नाल समझ लो। देखो 1942 ईस्वी जिहड़ा ब्रिटिश वल्लों क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया। इस तों बाद की होया 1945 ईस्वी ब्रिटेन विच चोणां हुई, मतलब ब्रिटिश विच चोणां हुई, तो जिस करके उत्थे दा जिहड़ा प्रधानमंत्री सो सर क्लेमेंट बेंटली बन गया। 1942 कोई होर सी तां करके वह अपनी शर्तां भारत उत्ते थोपना चाहुंदा सी, पर 1945 ईस्वी विच सर क्लेमेंट बेंटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया।
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਸਰ ਕਲਾਈਮੈਂਟ ਬੈਂਟਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸਰ ਕਲਾਈਮੈਂਟ ਬੈਂਟਲੀ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 1946 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਲਾਈਮੈਂਟ ਬੈਂਟਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਰੈਂਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਪੈਥੀਆ ਲੋਰੈਂਸ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਏ ਬੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੈਥੀਆ ਲੋਰੈਂਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਅਤੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਟਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ 3 ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰੀਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਅੰਤਰੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੀਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਅੰਤਰੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ 1946 ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਪਦ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਟਾਈਮ 1946 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰੀਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਏਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿੰਗਸ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਲਈ ਲੋਕ ਚੁਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ 389 ਸਦੱਸਯ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 292 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ 93 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ 3 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੁਣੇ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ, ਤਾਂ 389 ਸਦੱਸਯ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 1946 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 208 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ 73 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 15 ਸੀ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ 15 ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 15 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬੇਗਮ ਏਜਾਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੇਗਮ ਏਜਾਜ਼ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 15 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਦਕਸ਼ ਯਾਨੀ ਬੇਲਾ ਨਾਮਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਸਟੀ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵੀ 33 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ, ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਅਤੇ 79 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ।
पूरी गल एक बार ध्यान नाल समझो। संविधान सभा जदों बनाने का फैसला लिता गया तो तिने जिहड़े खेत्र से अपने देसी रियासती कमिश्नरी ते अंग्रेजी शासन के जिहड़े खेत्र से इन्हां तिना विचों मैंबर चुने गए, मैंबर बुलाए गए, तो 389 मैंबर चुने गए। मतलब इन्हां 389 विचों जिहड़े ब्रिटिश के मैंबर से वह 292 सी, तो कमिश्नरी खेत्र के जिहड़े वह 4 मैंबर से अते देसी रियासत के 93 मैंबर से। हुण इन्हां 389 मैंबरां विचों मैंबरां दीआं सीटां ते इलैक्शन होए जुलाई ते अगस्त 1946 ईस्वी, कांग्रेस की जित हुई, कांग्रेस में 208 सीटा मिली, मुस्लिम लीग में जी 79 सीटा मिली, बाकी जी अदर से उन्होंने 15 सीटा मिली। हूँ चोणों तो बाद 9 दिसंबर 1946 ईस्वी दिल्ली के केंद्र हाल में पहली विधानसभा की बैठक बुलाई गई। एग्जाम बहुत बार पूछा गया दोस्तों, पॉइंट नू नोट कर लो कि पहली विधानक सभा कदों बुलाई गई सी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी विच, एंड यह कित्थे बुलाई गई सी, दिल्ली के केंद्रीय हाल विच। इस पहली संविधान सभा दे बैठक विच 208 मैंबर पहुंचे सी सिर्फ, क्योंकि इस समय जिहड़े मुस्लिम लीग दे 73 मैंबर से उन्होंने संविधान सभा का बायकाट कर दिता। रीजन की सी, क्योंकि संविधान सभा विच जिहड़ी बहुमत सी उह हिंदू धर्म नाल बिलोंग करन वाले कैंडीडेटां दी सी, ते मुस्लिमां नूं ऐ लगदा सी कि इन्हां दी बहुमत 208 सीटां इन्हां कोल आ, ते इह अपने पक्ष विच ही जिहड़ा संविधान लिखणगे, अपने मुसलमानां दा जिहड़ा इह संविधान विच पूरा कुछ उन्हां वास्ते इनकलूड नहीं करनगे, तां करके इन्हां 73 मैंबरां ने संविधान सभा दा गठन दा बायकाट कर दिता गया। ते इस तों इलावा जिहड़े देसी रियासत दे 93 मैंबर सी, तो वह भी मतलब कि संविधान की पहली मीटिंग विच नहीं आए, क्योंकि वह हले कन्फ्यूज से कि साढ़े तो राज ना खोलन, सानू राज हूँ तो साडा राज है, असी राजे हाँ, हूँ तो साडा हुक्म चलता है, फिर सानू संविधान नहीं मननी पेगी, पता नहीं किस तरह के दिन देखने पैणगे। इस करके 93 मैंबर इन्हों देसी रियासत ने अपनी पहली बैठक में नहीं भेजा। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है। इस पहली बैठक में संविधान सभा का अस्थाई यानी टैंपरेरी चेयरमैन हैड चुनिया गया, तो इसका नाम की सी, टैंपरेरी प्रेजीडेंट का नाम की सी, सचिदानंद सिन्हा इसका नाम से। एग्जाम बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा का अस्थाई यानी टैंपरेरी प्रेजीडेंट कौन सी, तो सचिदानंद सिन्हा से, याद रखियो। तो इस बाद गल करिए संविधानक सभा का सलाहकार बनाया गया बी एन राव न, संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया, अते संविधान सभा का परमानेंट प्रेजीडेंट किसू बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद नू बनाया गया, ना कि भीम राव अंबेडकर नू, याद रखियो। काफ़ी बार बच्चे गलत कर देंगे इस क्वेश्चन नू, जिहड़ा संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशन असैम्बली का प्रेजीडेंट राजेंद्र प्रसाद है, ना कि भीम राव अंबेडकर। भीम राव अंबेडकर जिहड़ा ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन सी। तो दोबारे नोट करो इस गल नू, संविधान सभा का जिहड़ा परमानेंट प्रेजीडेंट से राजेंद्र प्रसाद सी, संविधान सभा का टैंपरेरी प्रेजीडेंट से सचिदानंद सिन्हा सी, ते जिहड़ा परमानेंट प्रेजीडेंट सी अपना राजेंद्र प्रसाद, तो इस 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में चेयरमैन बनाया गया। दोस्तों टाइमिंग याद करके चलो, देखो दो दिन बाद ही इतने इन्होंने कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी टैंपरेरी प्रेजीडेंट बनाया से सचिदानंद सिन्हा, तो 9 दिसंबर तो बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी जिहड़ा अपना राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेजीडेंट बना दिता से, सिर्फ दो दिन बाद बना दिता से। हुण तुसीं थोड़ा जिहा टाइमिंग माइंड में रख के फिर आपां अगे दे टॉपिक नूं कवर करांगे। तो संविधान सभा विच एक एंगलो इंडियन सी, एग्जाम विच काफ़ी बार पूछा गया है कि संविधान सभा विच सिर्फ इको एंगलो इंडियन सी, उसका नाम की सी, तो फ्रैंक एंटोनी सी, ते एक फारसी समुदाय का मैंबर सी, तो जिसका नाम पी एच मोदी सी। हुण आई नो जिन्हें भी कैंडीडेट पंजाब का एग्जाम दे रहे हैं, जो उन्होंने कोल इह क्वेश्चन अड़ गया कि फारसी समुदाय का एक मैंबर सी, तो पी एच मोदी, मोदी मतलब अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी मान लो, इस तरह का नाम ही है, सेम नाम है, तो इसनों कुट कुट के इस पर टिक जरूर करोंगे, तो क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे, सही क्या है ना। वीडियो में यस लिख के कमेंट जरूर कर दौ, इस पॉइंट को प्रोपरली याद रखने इसनों रिलेट कर लो, फारसी फारस, फारस मतलब फाल्स, फॉल्स मैंने की होंगे झूठ, झूठ मैंने मोदी है ना, मोदी झूठा तुम्हें पता किन्ने वादे वूदे करके सारे मुकर गया। तो चलो एक गल बात दी, हम अगे गल करते हैं। तो हम देखो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की थर्ड बैठक बुलाई गई, मतलब टाइमिंग देखो, 9 दिसंबर जिहड़ा टैंपरेरी प्रेजीडेंट चुनिया, 11 जिहड़ा परमानेंट प्रेजीडेंट चुन दिता, 13 दिसंबर संविधान सभा की तीजी बैठक भी बुलाती, ठीक है। संविधान सभा की प्रस्तावना की पेश की गई 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में थर्ड बैठक में, ओके दोस्तों। तो संविधान प्रस्तावना
ਕਿਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਨੇ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬੀ ਐੱਨ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੀ ਐੱਨ ਰਾਓ 1947 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੀ ਐੱਨ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਓ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਬੀ ਐੱਨ ਰਾਓ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ ਅਤੇ 1947 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਐੱਨ ਰਾਓ ਨੇ 1947 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖ ਲੁਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 1947 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 243 ਆਰਟੀਕਲ ਇਨਕਲੂਡ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਅਨਸੂਚੀਆਂ ਯਾਨੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਨਕਲੂਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀ ਐੱਨ ਰਾਓ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਤਾਂ ਜਾਓ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਿਖਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀ ਐੱਨ ਰਾਓ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਉ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜੀ ਹਾਂ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਐਂਡ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਫੈਨ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੈ ਭੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਇਨਕਲੂਡ ਸੀ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤਾਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, 29 ਅਗਸਤ 1947 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਬੀ ਐੱਨ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 1947 ਨੂੰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ 21 ਫਰਵਰੀ 1948 ਤੱਕ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਐੱਨ ਰਾਓ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1948 ਤੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਕੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 315 ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਸੂਚੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਅਨਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਮਤਲਬ ਇਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 1948 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
हूँ यह पॉइंट भी तुसी नोट कर लो, एग्जाम विच डेट नहीं पूछी जाएगी कदों तो कदों तक अध्ययन किया, एग्जाम विच डायरैक्ट थोड़े तो पूछा जाएगा कि संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी वालों सौंपे हुए एंड सोधे हुए संविधान का किन्नी बारी अध्ययन किया, किन्नी बार स्टडी की, टोटल 3 बार स्टडी की। तो इस अध्ययन के दौरान मतलब 3rd अध्ययन के दौरान संविधान सभा का 11वां अधिवेशन से मतलब 11वीं मीटिंग से उस टाइम जदों संविधान जो 3री बार रीड किया गया से उस टाइम संविधान सभा की 11वीं मीटिंग जिसनों आप 11वां अधिवेशन के नाम नाल जानते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान की जिहड़ी स्टडी से जिहड़ा अध्ययन से वह कि अधिवेशन हुई थी, तो 11वें अधिवेशन याद रखियो। तो इस तरह 26 नवंबर 1949 ईस्वी में 11वें अधिवेशन संविधान को अडोप्ट कर लिया गया, मतलब रीड स्टडी 3 स्टडी करने तो बाद 26 नवंबर 1949 11वें अधिवेशन के दौरान ही अडोप्ट कर लिया गया। पॉइंट नोट कर लो, क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान को स्वीकार कदों किया गया से, किस अधिवेशन द्वारा स्वीकार किया गया से, तो 11वें अधिवेशन में यह 11वीं मीटिंग संविधान सभा की 11वीं मीटिंग में संविधान को अडोप्ट कर लिया गया से। इस समय संविधान के 284 मैंबर ने सिग्नेचर किए, जिन्हों विचों 8 महिला मैंबर के सिग्नेचर संविधान से हुए से। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में 16वां अनुच्छेद ऑलरेडी लागू भी कर दिया गया से, मतलब 26 नवंबर 1949 नूं ही स्वीकार किया। उसी दिन इस संविधान विचले 16 आर्टिकल नूं भारत विच लागू भी कर दिता गया सी। पॉइंट याद रखियो किन्ने, 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 ईस्वी विच जिस दिन संविधान नूं अपनाया गया सी, संविधान अपनाया गया सी 26 नवंबर 1949 नूं, लागू नहीं होया सी। लागू हले तुहानूं दस्सांगा लागू किवें कदों होया सी। इस तों बाद 12वां अधिवेशन आया, तो 24 जनवरी 1950 के दौरान संविधान सभा के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। संविधान सभा की मीटिंग हुई जिस विच फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1950 तो भारतीय संविधान लागू हो जाएगा भारत में। उपर तुहानूं दस्सिया सी 26 नवंबर, यार एक तो यह बाल बेचण वाले डिग दे, चलो ये तो मजाक से। तो हूँ आप गल करते हैं, उपर मैं तुम्हें दसा कि 26 नवंबर 1949 11वें अधिवेशन अडोप्ट कर लिया गया, मतलब मान लिया, जिमें हूँ मैं किसी बच्चे अडोप्ट करता तो मैं मान लेना चलो अज तो यह मेरा बेटा है ना, एवें मान लिया इन्होंने, संविधान सभा ने मान लिया। तो उस तो बाद हो आनी सी 12वां अधिवेशन, 12वीं मीटिंग होनी सी संविधान सभा की, पर 24 जनवरी 1950 जी 12वीं मीटिंग हुई। पॉइंट याद रखियो 24 जनवरी जो 12वां अधिवेशन होया, 24 जनवरी 1950 ही भारत का पहला प्रेजिडेंट राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया सी। इस दिन इन्होंने एक फैसला लिता कि 2-1 दिन बाद ही आप जो कि संविधान सारे भारत में लागू कर देंगे, जिहड़े भी इस विच रूल दसे ने आपां सारे भारत नूं सारे अपने स्टेटां नूं राज्यां नूं यह दस देंगे, तां कि वह अपने लोगों उपर अपने स्टेट उपर यह भारतीय संविधान के रूल नूं लागू कर सके। तां दोस्तों उम्मीद है मैनूं तां समझ आ चुकी है यह गल, हुण तुहानूं भी समझ आ गई होगी। इत्थे तक अपना संविधान का जिहड़ा भी सफर से पूरा तय हो चुका है, बट कुछ पॉइंट याद रख लो, एग्जाम में डायरैक्टली क्वेश्चन बनते हैं। संविधान सभा बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे से, तो संविधान बनाने 63 लख रुपया खर्चा आ गया सी। तो इस संविधान 395 आर्टिकल ने, 8 अनुसूचियां सी, 22 भाग से। यह दुनिया का सब तो बड़ा लिखती संविधान है, लिख जो पूछा जाए सब तो भारत का सब तो मतलब कि दुनिया का सब तो बड़ा संविधान केड़ा है, तो भारतीय संविधान ही सब तो बड़ा अते लिखती संविधान है। तो भारतीय संविधान बनाने 60 देशों के संविधान की मदद ली गई सी। एंड इस तो अलावा बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ होंगे ने कि किहड़ी कमेटी का कौन मैंबर से, की कम से, किने ये मतलब चेयरमैन से, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग होंगी है। तो हूँ यह मतलब कि रट लो, माइंड में नोट कर लो। तो जिहड़ा ड्राफ्टिंग संविधान सभा बनाने जिहड़ी सब तो पहला सी ड्राफ्टिंग कमेटी सी, उसका जिहड़ा कि चेयरमैन से भीमराव अंबेदकर सी। एक सी फंडामेंटल राइट कमेटी जिसका चेयरमैन से सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो एक सी संविधान सभा बनाने अल्पसंख्यक कमेटी सी जिसका भी चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल सी। तो एक सी झंडा कमेटी जिसका चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद सी। तो दोस्तों एक 1933 झंडा कमेटी का निर्माण होया सी जिसका चेयरमैन
केपी कृपलानी सी, ओह 1933 दी झंडा कमेटी सी। एग्जाम विच कन्फ्यूजन हो जाती है, एक तो पूछ लिया जाता कि संविधान सभा की झंडा कमेटी का मैंबर कौन सी, ओके उसका सी राजेंद्र प्रसाद। एक 1937 ईस्वी विच बनी झंडा कमेटी का चेयरमैन कौन सी, तो जेपी कृपलानी जी उसके चेयरमैन से। इस तो बाद गल करिए नियम सभा से, वह भी राजेंद्र प्रसाद से, तो रियासत सभा का जोड़ा वह भी राजेंद्र प्रसाद से, और संघ संविधानक सभा से तो उसका जोड़ा चेयरमैन से वह जवाहर लाल नहरू से, राज भी संविधानक सभा का जोड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ओके दोस्तों हूँ आप संविधान सभा का गठन तो कर दिता गया, हूँ जो कैबिनेट मिशन आया से मैं तुम्हें शुरू में दस्या कि भारत में कैबिनेट मिशन आया तो उसने दो गल्लां सामने रखियां संविधान सभा के गठन बारे और इंटरिम गौरमेंट बारे। तो चलिए हूँ आप गल कर लेना इंटरिम गौरमेंट की। एक पास संविधान सभा का गठन तो मीटिंग मूटिंग सब कुछ बुलाई जा रही थी, तो एक पास नाल दी नाल ही इंटरिम गौरमेंट की तैयारी चल रही थी। इंटरिम गौरमेंट 24 अगस्त 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन और कांग्रेस ने मीटिंग की, 2 सितंबर 1946 ईस्वी में भारत में इंटरिम गौरमेंट का गठन कर दिता। तो कैबिनेट मिशन और कांग्रेस की इस मीटिंग में मुस्लिम लीग पार्टी को शामिल नहीं किया गया, इस करके 16 सितंबर 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने डायरैक्ट एक्शन डे बनाया जिस विच बहुत सारे दंगे करवाए गए। तो पॉइंट याद कर लो, मुस्लिम लीग वालों डायरैक्ट एक्शन डे कदों बनाया गया सी भारत में एग्जाम में डायरैक्टली क्वेश्चन यह पूछा जाता डायरैक्ट एक्शन डे कदों बनाया सी, तो 16 सितंबर 1946 ईस्वी बनाया सी। तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी में भारत में इंटरिम गौरमेंट का गठन हो गया, तो 13 मैंबर भी नियुक्त कर दिए गए, तो मुस्लिम लीग के मैंबर इस इनकलूड नहीं से। तो इंटरिम गौरमेंट का जोड़ा चेयरमैन से वह लॉर्ड बेवेल नामक कोई अंग्रेज से, वह जोड़ा इसका चेयरमैन से, तो इंटरिम गौरमेंट के 22 चेयरमैन पंडित जवाहर लाल नहरू खुद बने, क्योंकि जो भारत आज़ाद हो जाएगा तो डायरैक्ट वह प्राइम मिनिस्टर बन सके, तो एंड होया भी यही सी। तो वित्त मंत्रालय के चेयरमैन से लियाकत अली, कानून मंत्रालय जोगिंदर नाथ को, ज़्यादा इस बारे इसकी मिनिस्ट्री बारे पूछा नहीं जाएगा इंटरिम गौरमेंट की, तो मेन मेन 4-5 से जी मैं तुम्हें याद करा दी, तो इन्ह 4-5 ही क्वेश्चन बन सकता, ज़्यादा तो ज़्यादा मेन कितों क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरिम गौरमेंट का चेयरमैन कौन से लॉर्ड बेवल से, तो इंटरिम गौरमेंट का वाइस चेयरमैन कौन से जवाहर लाल नहरू से, इन दोनों में एक क्वेश्चन जरूर बन सकता एग्जाम। इस तो बाद ब्रिटेन के कोल डायरैक्ट एक्शन डे के रिलेटड एक खबर पहुँच जाती है कि हमें भारत में मुस्लिम और हिंदुओं की एकता करवानी बहुत मुश्किल है। हुण की होया, मार्च 1947 अंग्रेज़ों वालों लॉर्ड माउंटबेटन योजना भारत में भेजी गई, दसदा इसने भी की कारनामा किया लॉर्ड माउंटबेटन ने भी, बट जो भी किया इन्होंने भी बिल्कुल सही काम किया। इस तो बाद 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना भारत में आ गई। एग्जाम बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार हूँ सब इंस्पैक्टर का एग्जाम गया ना, उस डायरैक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि 3 जून योजना किस नाल संबंधित है, ठीक है 3 जून योजना संबंधित है माउंटबेटन योजना नाल, क्योंकि यह 3 जून 1947 भारत में आया सी, ते इस योजना के माध्यम नाल भारत का विभाजन किया गया सी, इस करके इंपोर्टेंट है भारत ते पाकिस्तान का निर्माण किया गया सी। हुण दिमाग नूं खोल के खाने विच रख लो इस गल नूं, 3 जून 1947 ईस्वी नूं माउंटबेटन योजना भारत में आई सी। इस योजना विच कहा गया सी कि भारत का बंटवारा कर दिता जाए, भारत विचों पाकिस्तान नूं अलग कर दिता जाए, और 2 सीमा आयोग बना दिते गए, अते 2 सीमा आयोग बना दिते गए 3 जून 1947 ईस्वी विच, जिसनों आपां इन्हां सीमा आयोग नूं रैड कलिफ दे नाम नाल जाना जांदा है। रैड कलिफ एक व्यक्ति का नाम से जिसने 2 लाइनां खिंचती, भारत में एक साइड तां पाकिस्तान करता एक साइड बांग्लादेश करता, इन्हां जिहड़ा बॉर्डर है इन्हां लाइनां नूं रैड कलिफ लाइन के नाम नाल जाना जांदा है। इस तो बाद की होया, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटेन सरकार वालों पास कर दिता गया, 18 जुलाई 1947 पास कर दिता गया, तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी में पाकिस्तान देश का निर्माण हो गया। मतलब कि जिहड़ी 2 सीमा योजना सी रैड क्लिफ लाइन के तहत, यह 14 अगस्त 1947 पास हो गया सी, ते भारत विचों पाकिस्तान अलग कर दिता, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में सिर्फ भारत से अपना भारत आज़ाद हो गया सी। इस समय आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनाया गया, तो 20 जून 1948 तक अपने पद से रहा।
ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜੁਲਾਈ 1948 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? 20 ਜੂਨ 1948 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰੀਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਸੀ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਜੇ ਇਹ PDF ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ID ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ PDF ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।